दूसरा जो क्षेत्र है कि लोगों ने क्या विकसित किया, तो लोगों ने उसी से इंडस्ट्री लगानी शुरू करी। तो इंडस्ट्री जब लगानी शुरू करी तो उसमें जो है उसका शेयर आज 24-25% है। पर तीसरा जो शेयर है जिसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, वो विचारों से आईटी क्या है, आईटी एक व्यक्ति के विचार में है कि आप कुछ भी लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर लिख लीजिए, कुछ भी उससे कर सकते हैं, हर फील्ड को उसने इफेक्ट कर दिया है। उसका शेयर आज 60-70% हो गया है। हमारे देश की जो पूरी इनकम, जो सब लोग इस हाल में जो बैठे हुए इनकम लोग पैदा करते हैं उसको भी देखेंगे तो असली जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो आप विचारों के आदान प्रदान से आप करेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप उसको जरूर उसको सोचिए उस बारे में, ये बहुत जरूरी है। उसी क्रम पे हम लोगों ने ये कार्निवल यहाँ पर आयोजित किया। कार्निवल में सब जो शहर के नागरिक हैं, जो ओनर हैं, ताकि वो कैसे देखें यहाँ पर आकर खुशियों को कैसे शेयर करें, उसमें सर्वप्रथम हमने सबसे पहले एक मैराथन, और जो मैं बात कह रहा था कि इस सिटीजन्स के जो अलग अलग रूप हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास किया गया। अब जो कार्निवल हो रहा है वो है कि उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। वो इस शहर के असली मालिक हैं, जो भी डिसीजन होते हैं उनके द्वारा लिए जाने चाहिए। हमारा गणतंत्र भी उसी तरह का है। तो इसमें इन्वॉल्व करने के लिए हमने यूनिवर्सिटीज को पूरे तरीके से इन्वॉल्व किया। आप देखे होंगे कि पहला जो मैराथन हमारा पिछली बार रन फॉर था, इस बार उसको अपग्रेड किया। बैडेट यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे से मिनी मैराथन में कन्वर्ट किया, और हमारा टारगेट है जैसे आप सुनते होंगे दिल्ली मैराथन, मुंबई मैराथन, उसी तरह से ग्रेटर नोएडा मैराथन। इस बार हमने शहर लेवल पे उसको ले जाके, केवल वो अथॉरिटी लेवल का नहीं था, ग्रेटर नोएडा मिनी मैराथन, उसका जो अगले ही हमारी कार्य योजना है कि वो ग्रेटर नोएडा हाफ मैराथन के नाम से दिल्ली मैराथन मुंबई मैराथन की तरह जानी जाएगी। दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी शारदा यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व किया गया। एक हैकाथॉन 24 घंटे पिछली बार भी शुरू किया गया था, वो बच्चे आकर स्कूलों कॉलेजों के आकर बच्चे 24 घंटे बिना सोए हुए लगातार उनको कोई भी प्रॉब्लम दे दीजिए उसका सोल्यूशन करते हैं। पिछली बार उसका पार्टिसिपेशन हमारे एनसीआर रीजन में था, इस बार उसको किया उसका थीम यही था स्मार्ट एंड हैप्पी ग्रेटर नोएडा की कैसे किया जाए। और भी बहुत थीम थे उसके भी प्रेजेंटेशन, आज कुछ बच्चों को ये प्राइज भी दे दिया जाएगा, परंतु वो एक देखने वाली चीज़ है क्योंकि पिछली बार उन्हीं बच्चों ने जब हैकाथॉन में हमें आइडिया था परी चौक की ट्रैफिक प्रॉब्लम, अल्फा मार्केट को कैसे ब्यूटीफाई किया जाए, ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस बार उसका जो रूप बढ़ा, आप सोचिए तमिलनाडु तक की टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट की, और आप यूनिवर्सिटी में बात करेंगे तो वो हैकाथॉन, आपकी जो हैकाथॉन है वो बहुत फेमस होने जा रही है। वो इस बार भी उसका काफी बजवर्ड था उस एजुकेशन फैसिलिटीज में। शारदा हमारी शिवनादर यूनिवर्सिटी है, उसने कल्चरल प्रोग्राम देखे, आपने देखा होगा यूथ फेस्टिवल उन्होंने किया उस प्रकार से। हमारी आरडब्ल्यूएस ने दिन भर कल्चरल प्रोग्राम किए, हमारे किसानों के लिए रागिनी कार्यक्रम किया गया, हमारे इंडस्ट्रीज ने विभिन्न प्रकार से उसमें कंट्रीब्यूशन किया। यदि आप देखेंगे झलकियां देखी होगी हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारे जो है कार्निवल में उन्होंने देखा होगा किस तरह के प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। सभी वर्गों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो हमारा एक प्रयास है कि जो शहर के नागरिक हैं, जो ओनर हैं, वो इसमें अच्छी तरह से भाग लें। और उसी कड़ी में हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए हैं। फ्रेंड्स ऑफ ग्रेटर नोएडा एक हमारी स्कीम चल रही है, बहुत सक्सेसफुल स्कीम है, जिसमें है कि ग्रेटर नोएडा में रहने वाला या करने वाला सर व्यक्ति होना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने लोग एजुकेटेड हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो, उसकी इच्छा हो कि ग्रेटर नोएडा शहर एक सुंदर शहर बने, जैसा आज शहर है उससे बढ़िया हो, वो हम कहते हैं केवल सुझाव ना दे, वो आके बताए भी वो क्या समस्या है, उसको किस ढंग से सलूशन देना है, वो खुद ही सलूशन डिजाइन करके लाए, उस सलूशन को इम्प्लीमेंट करे, सारा खर्चा उसका हम लोग करेंगे। छोटे छोटे से बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं आज सर, उसमें 60-70 करोड़ तक के प्रोजेक्ट वो लोग जो है फ्रेंड्स ऑफ ग्रेटर नोएडा अलग अलग कर रहे हैं। उन लोगों को हमने कहा है कि आपको ना तो आपको कार्ड पे लिखने की इजाजत है, ना आपको सामने आने की इजाजत है, आप चुपचाप काम करते रहे, उसकी कभी आपको एक तरह से प्रशंसा नहीं मिलेगी, परंतु आपकी एक बहुत बड़ी फौज है सर जो इस काम को कर रही है। सीईओ फोरम, मैंने कहा जिन लोगों ने आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, आदित्य बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कि आगे सोचा इस क्षेत्र से हमें हमारे जो है जो हमारी पूंजी है, हम 10 करोड़ लगाएंगे, 20 करोड़ बनेगा, उसके साथ देश की तरक्की में योगदान करेंगे, कि उन्होंने क्या सोचा था जो इस क्षेत्र में आए, जगह जगह से आज चाइना जापान कोरिया से लोग आ रहे हैं, हमारे भारतवर्ष के इंडस्ट्री आए, उन्हें क्या सोचा था, हम उनसे पूछते हैं। जब हमें कोई नया निवेशक आता है वो कई बार कठिन सवाल पूछता है, तो हम कहते हैं यार हमसे पूछ के क्या करोगे, जो यहाँ पे सीईओ लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ का हर इंडस्ट्री का हेड है, उसके पास जाइए, वो आपको कन्विंस करेगा कि यदि वो आप असली, क्योंकि आप ही का भाई बंधु है, वो आपको बताएगा कि यहाँ का क्या फायदा है।
और ऐसा बहुत सारा उद्योग हमें सर उनके थ्रू प्राप्त हो रहा है। तो ये भी सीओ फोरम भी एक बहुत अच्छे ढंग से उस तरह से हमको हेल्प कर रही है। तो कहने का मतलब ये सारे लोग एक डायमेंशन है, किसी तरह हैप्पी ग्रेटर नोएडा कैसे बनाना है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आजकल स्मार्ट सिटी की जो बात हो रही है, अभी हमारे बहुत अच्छा उन्होंने एक्सपर्ट महोदय ने बताया अर्नेस्ट यंग, हमारे पास जितने एजेंसी हैं उन सबको हमने अपने साथ लगाया हुआ, अर्नेस्ट यंग केपीएफजी जितने एक्सपर्ट्स हैं, हर चीज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स मौजूद है, यहाँ तक कि उसका कूड़ा भी जो गार्बेज एक बहुत बड़ी समस्या होती है, आपको कहीं बाहर नहीं ले जाना कि आपका कोई एजेंसी आएगी, हर घर में, हर इंडस्ट्री प्लॉट में, हर होटल में, हर कमर्शियल दुकान पे उसके अंदर दो पाइपें आती हैं, एक में आपको गीला कूड़ा फेंकना है, एक में आपको ड्राई कूड़ा, ड्राई कूड़ा में बोतल भी फेंक देनी है, आपने कुछ भी फेंक देना है, वो अपने आप उसको स्क्वीज करता है आपके घर के अंदर और पाइपों के थ्रू जैसे पानी आता है, जैसे सीवरेज चलता है, पाइपों के थ्रू वो जो उसकी एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वहां तक पहुंच जाएगा और वहां पे वो प्रोसेस किया जाएगा। स्मार्टनेस बाय डिजाइन, मतलब उसका जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी उसी में स्मार्टनेस थी, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो कभी मैं चाहूंगा आप लोग उन फैसिलिटीज को देखें जाके, परंतु हमारे आज हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का फाउंडेशन दिवस है, तो ग्रेटर नोएडा इन दो एक्सट्रीम के बीच में है, परंतु ग्रेटर नोएडा जो मैंने बताया ये तो उस कड़ी के है जो स्मार्टनेस जब बन रहे हैं शहर उसी टाइम स्मार्ट है। उस स्मार्ट सिटी में हमने 150 एकड़ जमीन इंडस्ट्री को बेच दी है, उसमें अभी हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल बाद में लाएंगे, परंतु ग्रेटर नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा भी यदि उस तरह के जो स्मार्ट बाय डिजाइन नहीं है, परंतु ग्रेटर नोएडा भी बहुत आगे है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अभी बसता हुआ शहर है, ये शैशव काल से अब युवावस्था में पहुंचा है, जहां पे एक तरह से जैसे बच्चा एक पढ़ता है उसने शिक्षा वगैरह ग्रहण करी उसके बाद जवानी में बढ़ता है जब वो रोजगार ढूंढता है, उसी तरह अभी ये उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे ग्रेटर नोएडा शहर को अपने आप को अब विकसित करना है, जो बेसिक चीजें थी इसकी पूरी हो गई है। तो ये स्मार्टनेस इसके लिए, क्योंकि ये अभी शहर विकास हो रहा है इसमें भी स्मार्टनेस लाना बहुत इजी है और स्मार्टनेस के सभी कंपोनेंट्स में हम काम कर रहे हैं। जो स्मार्टनेस का जो पहला कंपोनेंट होता है उसमें ग्रेटर नोएडा पूरी दुनिया में लीड ले चुका है, वो है स्थापना सुविधाएं, यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें। इनफैक्ट सबसे पहले यदि हम बात करें ग्रेटर नोएडा कदाचित ऐसे ये जो पूरा जोन आई थिंक पूरा इंडिया में कदाचित ऐसा अकेला एरिया है जो 3 एयरपोर्ट से आच्छादित है, दिल्ली एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट शुरू हो चुका है और आपका जेवर एयरपोर्ट, उसका आपने पता है कि उसका अवार्ड हो चुका है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की, बहुत बड़ा भारत सरकार से किस तरह से प्रयास किए थे जब मैं भारत सरकार से पढ़ता था, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद सड़कों का जाल बिछा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पर 2 बन रहे हैं, दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे, मतलब जो इंडस्ट्री आएगी पूरे 15 घंटे में भारत के हर कोने तक, बंदरगाह तक वो चीजों को ले जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा किसी भी इंडस्ट्री के लिए कॉम्पिटिटिवनेस के लिए पॉइंट होता है कि आप जब कोई चीज पैदा करते हैं उसको कितनी जल्दी आप मार्केट तक ले जा सकते हैं, कितने कम खर्चे में ले जा सकते हैं, वो पूरे इसमें चीजें हैं। हमारे शहर में चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौड़ ग्रीन बेल्ट जो आज पोल्यूशन के जमाने में बहुत जरूरत होती है, मेट्रो इत्यादि सभी सुविधाएं इसमें एक तरह से मौजूद है। चैलेंज है कि इनको कैसे हम मेंटेन कर ले जाएं, इनका मेंटेनेंस आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उसको मेंटेनेंस कर ले जाएं, उसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। आपने देखा होगा जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्मार्टनेस तब नई टेक्नोलॉजी, जब आपके पास मैन पावर की कमी हो तो उसको टेक्नोलॉजी हल करती है। अभी हमने एक मशीन टेस्ट करी इन्फ्रा रेड की, वो जो डिमांड हम बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, अभी सड़कें हैं तो उसमें गड्ढे ऑन डिमांड भर जाए, अभी यदि सड़कों पे गड्ढे हैं तो हम लोग वेट करते हैं कि और थोड़े गड्ढे हो जाएं, फिर हम टेंडर करेंगे तो 6 महीने बाद वो करते हैं, ऑन डिमांड उसको करना है। अभी एक इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी हमने देखी, उसको टेस्ट किया, इसी प्रकार के और टेक्नोलॉजियों का हम टेस्ट कर रहे हैं जिसके ऑन डिमांड, क्या आपने शिकायत करी अगले 24 से 36 घंटे में वो मशीन वहां पर गई, उसने उसका ना केवल उस गड्ढे को भर दिया, उसी मशीन के माध्यम से उसका मेजरमेंट भी हो गया, ताकि पेमेंट करना सरकारी विभाग में जब आप काम करते हो ना केवल काम करना जरूरी है, उसको ट्रांसपेरेंट ढंग से मिनिमम खर्चे में काम करना भी जरूरी है। वो टेंडर खोलेगा, एक हमारा वो कंसल्टेंट आएगा जो इन गांव को, इन 14 गांव को, हमारे 124 गांव है सबको करेंगे, परंतु पायलट के तौर पर देख ले भी जो हमारा, जो हम जिस तरह से डीपीआर बनाते हैं वो कितनी सक्सेसफुल है, वो हमारे डीपीआर बनाएगा, उसके बाद उन गांव को स्मार्ट करने के लिए, स्मार्ट मीन्स हर चीज जो उस गांव की, ना केवल हम सड़क बिजली पानी की बात कर रहे हैं, ड्रेन की बात कर रहे हैं हम, बल्कि वहाँ पे बच्चों का जो बौद्धिक विकास है कि बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए जो स्कूल की सुविधा चाहिए, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर चाहिए जिसमें हर तरह से उनकी हेल्थ वाला वर्कर आता है, उस तरह की सभी चीजों की वो कार्य योजना बनाएगा।
परंतु उनमें से कुछ कार्य योजना जैसे मैंने बताया वाटर सप्लाई सीवरेज हमने अलग से शुरू कर दी है, इंटरनेट का हमने जो है फ्री वाईफाई देने के लिए ग्रेटर नोएडा वाईफाई के नाम से हमारा टेंडर फ्लोट हो चुका है, उसकी भी लास्ट डेट फरवरी के किसी दिन होगी, उसमें 45 मिनट का फ्री वाईफाई पूरे ग्रेटर नोएडा निवासियों को शुरू में वही चौरा गांव में और ग्रेटर नोएडा शहर के कुछ प्रमुख चौराहों पे प्रमुख मार्केट में, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट भी एक फंडामेंटल राइट के तौर पे उभरा है, उसके जो है 90% के फायदे हैं, 5-10% उसका मिसयूज हुई है। तो यद भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि उसके फायदे मतलब दुनिया में पता रहना चाहिए कि कहाँ पे रोजगार मिल रहा है, शिक्षा के कौन से अवसर है, हर चीज आज की डेट में पढ़ाई सारी उपलब्ध है। यदि आप बेस्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड या स्टैनफर्ड है उसके सारे लेक्चर यदि हमारा कोई छोटा इंजीनियर है वो बैठ के फ्री में देख सकता है इंटरनेट के माध्यम से, तो ये सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध होंगी। इसके अलावा जो अन्य बेसिक प्रॉब्लम हमारी रहती है शहर की, मैंने बताया गार्बेज डिस्पोजल, आज की पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, पूरा इंडिया इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से हमने पूरी कार्य योजना हमारी बनी हुई है। पिछले 4-5 दिन पहले हमने 2 NGO आई डोंट नो आज वो है, वो 2 NGO हम यहाँ पर सिलेक्ट करके उनको पिछले हफ्ते अवार्ड कर चुके हैं, एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए, एक ग्रेटर नोएडा ईस्ट के लिए। उनका काम क्या है, ना केवल जागरूकता लाना परंतु पहली बार वो मेजरमेंट करेंगे, ये जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है। वो अभी आपके सामने अगले एक महीने में खूब प्रोग्राम करेंगे, आपको दिखेंगे दोनों NGO, मेजरमेंट किस चीज का करेंगे कि अगर आपके मोहल्ले का कूड़ा 11 बजे तक उठना है तो उठा या नहीं उठा, अगर आपके सीवरेज में ये अपेक्षा है या नहीं है, नहीं उसका अपने आप कंप्यूटराइज सिस्टम से यदि जो गार्बेज नहीं उठाता है उससे पेनल्टी लगेगी। आपने हमारी ऐप पे शिकायत दर्ज करी, जिस व्यक्ति को वो गार्बेज उठा के उस पर फोटो डालनी होगी वो कितनी देर बाद डली, वो सारे सिस्टम इसमें इनबिल्ट हैं। यद्यपि मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ टाइम हम लोगों को लगा है और इसमें 3 एजेंसी हमको और सिलेक्ट करनी है, एक हमें मैकेनिकल स्वीपिंग जो अब हम हर सेक्टर तक लेके जाएंगे और एक जो डोर टू डोर कलेक्शन प्लस प्रोसेसिंग। हमने एक सिस्टम बनाया है कि जहाँ पे जो गार्बेज का प्रोसेसिंग सिस्टम जो पूरे दुनिया में लागू है, जो पूरे इंडिया का मॉडल बनेगा कि हर सेक्टर का बेसिकली गार्बेज एक तरह से उसी सेक्टर में प्रोसेस हो जाएगा, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है इसको आप बहुत जल्द देखेंगे। डॉग ब्रीडिंग में हमारे टेंडर हुआ है, परंतु इन सब के पीछे स्मार्ट बनाने के लिए जब तक यहाँ की अथॉरिटी जो एक तरह से आपका ब्रेन है, जो हार्ट है, जो काम करने वाली बॉडी है, यदि वो स्मार्ट नहीं होगी तो आपका ERP सिस्टम हमारा लगभग 70-80% कंप्लीट है। मार्च अप्रैल में हम लोग सर आप लोगों से उसका उद्घाटन करवाएंगे। ERP के माध्यम से हर सिटीजन को, हर अलॉटी को लगभग काफी सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी।